कितने दिन का राशन पानी होगा ये लगभग? ये जी छह महीने का ढेर लगा दे लो। आपको देख रहा होगा सर, देखो वही कह रहा था, ये छह महीने से कम का नहीं है, साल भी चल जाए, दस साल भी चल जाए। जी किसानों का कहना है कि कम से कम छह महीने का तो वो लेके आए हैं, और आवाज देते ही गांव से इतना ही और पहुंच जाएगा, आवाज आते ही गांव से इतना ही और पहुंच जाएगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रशासन ने टॉयलेट वगैरह का इंतजाम किया है, पीने का पानी? टॉयलेट जी, दो टॉयलेट खड़ी है सामने बस, और आदमी इतने कहाँ जाएंगे उससे आप कम है? अजी कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जी रहा है सामने, देख तो रहे होगे अपनी मीडिया को दिखाओ ना, मैं जी रहा है जी, जैसे उठ के मुझे डाल दो ना, मालूम नहीं पड़ेगा, वो दो टॉयलेट खड़ी है, इससे क्या हो रहा है? पीने का पानी आप खरीद रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, बोतल आ रही है, बोतलें लेके आए निगम की तरफ से कोई व्यवस्था? अरे वो हटाए, टैंकर जो है हमें पानी पिए जाए वो जी। ये वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट बनाए हुए हैं नगर निगम ने, आप देखेंगे पीछे दो टॉयलेट मोबाइल लगाए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने। इन लोगों का कहना है कि पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ दो मोबाइल टॉयलेट लगाए हैं जो कि काफ़ी नहीं है इन लोगों के लिए। आइए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल टॉयलेट्स की तरफ, जो गाज़ियाबाद नगर निगम की तरफ से सुविधा प्रदान की गई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये नगर निगम की तरफ से टॉयलेट बनाए हैं, एक टॉयलेट तो यहाँ पर है मोबाइल, और ये गंदगी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी है चारों तरफ। ये नगर निगम की तरफ से सुविधा दी गई है, ये पानी की टैंकर वगैरह लगाए हैं नगर निगम ने यहाँ पर।